बयानों के चलते चर्चा में रहने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उनके नेपाल दौरे को का जिक्र करते हुए साध्वी ने, दरअसल जो नेपाल दौरा हुआ था उसके जिक्र को उन्होंने करते हुए कहा कि पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी नेपाल में पब के अंदर शराब का गिलास हाथ में थामकर चीन की महिला जासूस से मिलते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा देश के लिए संकट है। राहुल गांधी के नेपाल दौरे के बहाने साध्वी प्रज्ञा को राहुल गांधी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। साध्वी प्रज्ञा ने सीहोर में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी पार्टी का नेता, जिसे कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, आज उसे देख लीजिए कि वो पब में दारू का गिलास लेकर महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। महिलाओं के बारे में ये उनका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि वो महिला चीन की राजदूत है। चीन की ये जासूस महिला का रिकॉर्ड गड़बड़ है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है। ये बात सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को सीहोर में कही। वो 125 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित रेलवे स्टेशन भवन का लोकार्पण करने यहाँ पहुँची थी। विपक्ष पार्टी का नेता, वो नेता जिसको लोग प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे कांग्रेसी लोग, आज उसका देख लीजिए कि वो किस प्रकार से पब में दारू के ग्लास लेकर के और महिलाओं के साथ, और वो भी उनका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है महिलाओं के बारे में, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि आप देखिए कि वो चीन की राजदूत है। धीरे धीरे साध्वी प्रज्ञा समझने लगी है कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ना है तो राहुल गांधी को निशाना बनाना होगा, खास तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीब आने के लिए, क्योंकि अब तक ये माना जाता रहा है कि पीएम मोदी साध्वी प्रज्ञा को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। अनुराग मालवीय, INS 24/7, भोपाल।